गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ प्लस वन कॉमर्स। आज मैं बिगनिंग करने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की। आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, किस चीज के रिगार्डिंग, कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स मींस ऑफ रिसोर्सेज। देखो, ह्यूमन बीइंग के पास हर साधन जो है लिमिटेड होता है, तो उसको उसने कैसे यूटिलाइज करना है। जैसे हमारे पास लिमिटेड इनकम है, हमने उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसमें ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी जरूरतों को पूरा करने का, उसे इस चीज की स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। अब आगे है स्केयर्सिटी एंड चॉइस। स्केयर्सिटी भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे किसी चीज की अवेलेबिलिटी हमारे पास, सप्लाई कम हो जबकि हमारी उस चीज की डिमांड ज्यादा है, तो वो सिचुएशन कौन सी बन जाती है, स्केयर्सिटी वाली, जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए। चॉइस का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। अब हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज साधन कम है, तो हम हर चीज़ तो अवेलेबल कर नहीं सकते, तो हमें वेरियस चीज़ों में से चॉइस करना पड़ता है कि हम इसमें से क्या क्या ले सकते हैं। अब ये चॉइस की नौबत कब आती है, सिचुएशन कब आती है, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो, तब हमें चॉइस करना पड़ता है कि अपनी रिसोर्सेज में से हमारी मेन ज़रूरतें कौन सी हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं। चॉइस एंड स्केर्सिटी गो टूगेदर। चॉइस अराइजेज वेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अल्टीमेटली यहाँ पे वर्ड आया है, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, जरूरतें बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज उसके कंपेरेटिवली कम होते हैं, तब ये सिचुएशन आती है कि हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें कहाँ पे अपना पैसा स्पेंड करना चाहिए। When we have less money and want to purchase more goods, तो हम चूज करते हैं उन गुड्स को जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। तो चॉइस की नौबत तब आती है जब हमारे पास स्केर्सिटी हो। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केर्सिटी, कमी कहाँ पे होती है, जैसे हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड होती है, फर्म के पास जो साधन है वो लिमिटेड होते हैं, हमारे नेशन के पास, हमारे देश के पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं। अब इनकी चॉइस कैसे होगी, हमने ये देखना होता है कि हमने अपनी लिमिटेड इनकम को कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना है। प्रोड्यूसर ने देखना होता है कि उसने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है ताकि वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए, और देश ने ये देख के चलना होता है कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उनको कैसे यूज करूं कि मेरे देश का भला हो पाए, मेरे देश का वेलफेयर, नेशन का वेलफेयर हो पाए। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप सीधा आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ये कवर अप करेंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इससे पहले भी उन्होंने इसी के मीनिंग एक्सप्लेन किए हुए हैं, हम इसका सीधा डिफरेंस डिस्कस करेंगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। डिफरेंस हमेशा लाइंस लगा के लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखना, अदरवाइज उसका हाफ क्रेडिट तो सीधा आपका खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले हम बेसिस भी शो करते हैं कि हम किस बेस पे इसका डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला बेस है नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किन चीजों की प्रॉब्लम की स्टडी करती है, इट इज कंसर्न विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल। हमारी इकोनॉमी में इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे एक फर्म की हम बात करें, एक कंज्यूमर की बात करें, या एक इंडस्ट्री की बात करें, एक घर की बात करें, तो वो हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी की इकट्ठी बात करती है, जैसे हमारे पूरे देश की इनकम कितनी है, जनरली हमारे देश में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, हमारे देश की टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो इनका पहला डिफरेंस क्या बताता है हमें, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम पूरे देश की बात करें तो वो होती है
मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब ग्रैंड लेवल पे, माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें मेन चीजें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेनली बात करते हैं डिमांड की, लोगों मतलब इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है और इंडिविजुअल की सप्लाई कितनी है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सभी कंज्यूमर्स की मिला के डिमांड कितनी है और सभी सेलर्स की मिला के सप्लाई कितनी है, या फिर हमारे देश में सेविंग्स कितनी है और इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। तो हम टोटल सबकी बात करते हैं मैक्रो में। आगे है रोल, मार्केट फोर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब मार्केट की जो सिचुएशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे किसका इफेक्ट ज्यादा आता है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में। नेक्स्ट इज बेसिस अजम्पशन। स्टूडेंट्स, हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आता है, इनकम, सेविंग्स, कंजम्पशन, ये सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। हम माइक्रो की स्टडी करते टाइम ये एज्यूम करके चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब टोटल डिमांड सेम रहेगी, टोटल सप्लाई सेम रहेगी। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, वो सारे कांस्टेंट मतलब सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज अदर नेम। दोनों को एक और नेम मिला हुआ है। जब हम कहें प्राइस थ्योरी, मतलब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और जब हम कहें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, तब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये जस्ट इनके अदर नेम है। प्राइस थ्योरी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस ही करना है, उससे पहले वाला पार्ट छोड़ देना है, उससे पहले सिर्फ वही पार्ट करना है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप एंजॉयिंग योर ऑनलाइन स्टडीज एट योर होम।